सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गियर हेड्स। तो गाइस आज आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ खड़ी है अपनी महिंद्रा एक्सीवी 700। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी थी इस कार की, तो आज फाइनली देर से ही सही लेकिन मेरे चैनल पे इसका रिव्यू आ गया। तो आज इसका रिव्यू करेंगे। X5 वेरिएंट है, ये पेट्रोल वर्जन गाड़ी है वाइट कलर में। तो इसका डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू रहने वाला है आज की इस वीडियो के अंदर। सो इस डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। Past my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. सो गाइस राइट नाउ आप लोग देख रहे हैं महिंद्रा XUV 700 AX5 वेरिएंट की ओवरऑल फ्रंट लुक, पेट्रोल वर्जन राइट नाउ देख रहे हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटीरियर्स में एंड फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक आप लोग देख सकते हैं। फ्रंट में गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को सेंटर के अंदर न्यूली डिजाइंड ऐसी कुछ पियानो ब्लैक फिनिश एंड सिल्वर फिनिश के अंदर अपने को ग्रिल ऑफर की जाती है, देख लो। एंड सेंटर में क्रोम फिनिश में अपना महिंद्रा का लोगो दिया जाता है गाइस, जो न्यू लोगो है वही मिलेगा। एंड यहाँ पर गाइस अपने को जो है जैसे अपर वेरिएंट्स में टॉप एंड वेरिएंट्स के अंदर अपने को 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिलता है, बट यहाँ पर अपने को पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, वैसे ही कुछ अपने को स्पेस बना हुआ मिलता है जहाँ पर कैमरे की प्लेसमेंट होती है। तो आफ्टर मार्केट जाकर शायद आप करवा सकते हैं, बाकी वो आप सबके ऊपर डिपेंड करता है। सो फ्रंट में फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कुछ ग्रिल रहेगी एंड ऐसा कुछ ओवरऑल गाइस काफ़ी ज़्यादा ह्यूज साइज है इस कार का, तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी वाइड दिखती है गाइस जो अपनी कार है। तो काफ़ी एक मस्कुलैरिटी जो है वो कार के अंदर आगे से पीछे से लेफ्ट से राइट से हर तरफ से एक्सटीरियर में मस्कुलैरिटी तो है ही इस कार के अंदर। तो उसके बाद जो कलर ऑप्शंस है गाड़ी के वो सारे आप लोगों की स्क्रीन पर वैसे भी डिस्प्ले हो रहे होंगे। एंड कार के अंदर अपने को जो हेडलैम्प्स है वो प्रॉपर अपने को LED सेटअप में, सो गाइस फ्रंट के अंदर ओवरऑल अपने को फॉग लैंप्स हो चाहे हेडलैम्प्स हो फुली LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं गाइस अपने को फ्रंट में AX5 वेरिएंट में विद LED डे टाइम रनिंग लाइट्स। आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर गाइस सारे शॉट्स एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर अपने को जो है टो हुक मिल जाता है। एंड इस कार के अंदर गाइस AX5 वेरिएंट में अपने को एयर डैश का फीचर नहीं मिलता, यहाँ पर अपने को सिल्वर फिनिश में ऐसी कुछ स्केट प्लेट्स मिल जाती है एंड लोअर एयर डैम्प्स अपने को मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। एंड यहाँ पर थोड़ी बहुत अपने को पियानो ब्लैक फिनिशिंग भी दी जाती है। एंड यहाँ पर अपने को गाइस अपने जो है फॉग लैंप्स मिल जाते हैं LED फॉग लैंप्स। सो गाइस आप लोग देख सकते हो ओवरऑल अपने को ऐसी कुछ जो है कार की फ्रंट लुक देखने को मिलती है। DRLs का जो व्यू है वो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। कार की ओवरऑल फ्रंट लुक आप लोग चेकआउट कर चुके हो, कितनी ज़्यादा ह्यूज दिखती है गाइस ये जो कार है। एंड अब हम लोग मूव करते हैं गाइस कार की ड्राइवर साइड प्रोफाइल में। ड्राइवर साइड प्रोफाइल में मूव करने से पहले आप लोग एक बार इसके प्रॉपर हेडलैम्प्स का व्यू चेकआउट कर लो कैसा कुछ लगता है। तो यहाँ पर अपने को ऐसे कुछ हेडलैम्प्स मिलते हैं गाइस, आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस राइट नाउ अब आप लोग देख रहे हो कार के ओवरऑल ड्राइवर साइड प्रोफाइल। सो गाइस ड्राइवर साइड प्रोफाइल में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होती है वो होते हैं अलॉय व्हील्स, यानी कि साइड प्रोफाइल में अपने अलॉय व्हील्स ही होते हैं। तो यहाँ पर गाइस अपने को ऐसे कुछ काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइकिंग अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं गाइस कार के अंदर। तो 17 इंचेस के अपने को अलॉयज मिलते हैं AX5 वेरिएंट के अंदर। एंड अपने को यहाँ पर MRF वेंडरल टायर मिल जाता है, टायर साइज रहेगा 235/65 सेक्शन का R17, यानी कि अपने को 17 इंचेस का टायर एंड 17 इंचेस के ड्यूअल टोन फिनिश में अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। आप लोग स्क्रीन के ऊपर सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। जो गाइस कार के अंदर व्हील क्लैडिंग होती है वो अपने को यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश के अंदर मिलेगी, यानी कि जो ओवरऑल लोअर बॉडी है कार की वो अपने को गाइस जो है अपनी जो कार की लोअर बॉडी होती है वो सारी अपने को मैट ब्लैक फिनिश के अंदर जो है दी जाती है। एंड गाइस अपने को यहाँ पर जो ए पिलर है वो बॉडी कलर्ड मिलने वाला है। एंड अपने को यहाँ पे ORVMs पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेंगे गाइस, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में विद LED साइट एंड इंडिकेटर्स। ये ORVMs गाइस अपने को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं मिलते। एंड अपने को जो गाइस यहाँ पे डोर हैंडल्स हैं ये अपने को रेंज रोवर इंस्पायर्ड मिलते हैं, जो डोर हैंडल्स हैं मैनुअली हैं गाइस ये। तो ऐसे कुछ आप लोग जो है इन्हें अपना जब आप अनलॉक करेंगे कार को तो आप जो है ऐसे पुश करके इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो देख सकते हो गाइस तो ऐसे कुछ ये ओपन वगैरह हो जाता है इसका जो डोर है। एंड अपने को गाइस जो बी पिलर सी पिलर है ये सारे अपने को ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं। एंड जो विंडो लाइनिंग है ये अपनी मैट ब्लैक फिनिश में रहेगी। तो ऐसे कुछ गाइस अपने जो डोर हैंडल्स हैं वो रहते हैं मैनुअल होते हैं गाइस AX5 वेरिएंट में, एंड टॉप एंड वेरिएंट में सही हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ आप लोग इन्हें कर सकते हैं एडजस्ट। एंड ये जो गाइस आप लोग देख रहे हो रेन वाइजर्स ये एज एन पार्ट ऑफ एक्सेसरीज में है। ऊपर अपने को रूफ रेल्स मिल जाती है एंड लार्ज साइज का पैनोरमिक सनरूफ मिल जाता है। सो गाइस ये जो पैनोरमिक सनरूफ है ये फर्स्ट इन सेगमेंट है, यानी कि फर्स्ट इन सेगमेंट इस हिसाब से सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ा सनरूफ जो है वो XUV 700 का है।
तो गाइस अब हम लोग मूव करते हैं कार के ओवरऑल रियर प्रोफाइल। सो गाइस राइट नाउ यू ऑल आर वाचिंग द रियर प्रोफाइल ऑफ द महिंद्रा एक्सयूवी 700 AX5। तो रियर प्रोफाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोग देख लो, अपने को ऐसे कुछ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुकिंग अपने को टेल लैंप्स ऑफर किए जाते हैं, LED टेल लैंप्स रहेंगे, फ्लोटिंग इंडिकेटर्स मिलते हैं गाइस अपने को। एंड जो गाइस ये इंडिकेटर्स और टेल लैंप्स की लुक्स है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव आती है गाइस, काफ़ी बढ़िया लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं गाइस कार से, फ्रंट हो साइड हो रियर हो हर जगह से। एंड सेंटर में अपने को यहाँ पर रियर वाइपर मिलता है, रियर डिफॉगर मिलता है X5 वेरिएंट में, हाई माउंट स्टॉप लैंप रहेगा स्पॉयलर के साथ, यहाँ रियर वॉशर रहेगा। ऊपर अपने को शार्क फिन एंटीना मिलता है, अगेन अपना पैनोरमिक सनरूफ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर अपना महिंद्रा का लोगो आएगा क्रोम फिनिश में, न्यू लोगो महिंद्रा का। एंड गाइस यहाँ पर अपने को जो है लाइसेंस प्लेट वाले जो लैंप्स होते हैं वो अपने को यहाँ पर वाइट कलर के अंदर ऑफर किए जाते हैं, तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है ये। एंड वाइट कलर देख रहे हो, ओवरऑल जो कलर ऑप्शंस है वो आप लोग पहले भी स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर चुके हो एंड अभी भी आ रहे होंगे आप लोगों की स्क्रीन पर। गाइस यहाँ पर अपने को थोड़ा बहुत पियानो ब्लैक इंसर्ट्स मिल जाते हैं स्पॉयलर के जस्ट नीचे, तो काफ़ी बढ़िया लगती है गाइस जो कार है। एंड लेफ्ट साइड में अपने को यहाँ पर फ्यूल लिड भी जो है दी जाती है, कार के अंदर ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स आती हैं तो वो आप लोग देख सकते हैं गाइस अपनी स्क्रीन के ऊपर जो शॉर्ट्स हैं। ओवरऑल कार के अंदर ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स मिलती है, यहाँ पर अपने को एड्रीनोक्स जो कनेक्टेड ऐप मिलता है फीचर मिलता है उसकी बैजिंग मिल जाती है गाइस देख सकते हैं आप लोग सी पिलर पे लेफ्ट साइड में। एंड ओवरऑल रियर लुक के अंदर अपने को यहाँ पर टू रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं गाइस, इतनी बड़ी कार में अपने को टू रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं गाइस, वहीं फोर मिल जाते हैं तो और ज़्यादा बढ़िया बात थी। एंड टू रिवर्स मिलते हैं, टू रिवर्स पार्किंग सेंसर्स तो ठीक है, कोई नॉट बैड। एंड कार के अंदर गाइस जो अपनी रियर स्किड प्लेट्स हैं वो सिल्वर फिनिश में रहेगी, ड्यूअल टोन फिनिश के अंदर ओवरऑल बम्पर रहेगा, यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिशिंग आती है। एंड बॉडी कलर यहाँ पर गाइस अपने को जो है रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट मिलती है पियानो ब्लैक इंसर्ट्स के साथ। ये जो गाइस आप सेफ्टी गार्ड देख रहे हो ये एज इन पार्ट ऑफ एक्सेसरीज में जो है कवर हो जाता है। एंड उसके बाद आप लोगों को गाइस एक बार फ्यूल लिड चेकआउट करवा देता हूँ, तो ऐसे कुछ गाइस आप लोग जो है इसकी फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं, फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो आप लोगों की स्क्रीन पर राइट नाउ डिस्प्ले हो रही होगी। तो अब एक बार गाइस आप लोगों को कार का जो है बूट स्पेस चेकआउट करवाते हैं, जैसे कि अभी आप लोग 5-सीटर वर्जन देख रहे हैं कार का, सो लेट्स ओपन। सो गाइस अब जो है कार का बूट ओपन हो चुका है एंड आप लोग चेकआउट कर सकते हो कार के अंदर जो बूट स्टोरेज एरिया है, मैसिव बूट स्पेस मिलता है अपने को इस कार के अंदर। एंड ये जो गाइस आप मैट देख रहे हो ये भी एज एन पार्ट ऑफ एक्सेसरीज में कवर होता है गाइस, देख सकते हैं आप लोग ये सनशेड्स वगैरह जो दिए हुए हैं ये भी अपने XUV 700 के अंदर जो है एज एन पार्ट ऑफ एक्सेसरीज में मिल जाती है अपने गाइस, जो ये सनशेड्स है और ये जो मैट वगैरह है, तो देख सकते हैं गाइस आप लोग मैसिव बूट स्पेस है। और जो गाइस बूट स्पेस का ओवरऑल स्टोरेज एरिया है वो अपने को एग्जैक्ट जो स्टोरेज एरिया है वो आप लोग स्क्रीन पर राइट नाउ डिस्प्ले हो रहा होगा। गाइस यहाँ पर जो ये कप होल्डर्स वगैरह है इस चीज़ को थोड़ा सा सुधार सकते थे गाइस ये जो कंपनी वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो अभी इस 5-सीटर वर्जन है फिर भी यहाँ पर जो है अपने को 12-वॉट चार्जिंग सॉकेट्स दिया हुआ है वो बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पर जो एक कप होल्डर दिया हुआ है इसका ऐसा कोई यूज़ नहीं है, बट फिर भी यूज़ कर सकते हैं इंडियंस का आपको पता ही है। तो अब जो है बूट को क्लोज करते हैं एंड एक बार गाइस मैं आप लोगों को अगेन कार की जो है रिवर्स रियर प्रोफाइल अगेन पूरी चेकआउट करवा देता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अपने को XUV 700 की बैजिंग मिलती है, AX5 की बैजिंग। तो ओवरऑल गाइस ऐसे कुछ रहने वाली है जो कार की एक्सटीरियर प्रोफाइल्स हैं, एक्सटीरियर्स में सब कुछ कवर हो चुके हैं गाइस अकॉर्डिंग टू मी, बाकी कुछ रह गया हो तो आप लोग देख सकते हो गाइस। तो काफ़ी ज़्यादा गाइस बढ़िया जो है कार है, ओवरऑल हर जगह से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखती है जो गाइस ये कार है, तो आप लोग देख। सो गाइस कार के इंटीरियर्स में मूव करने से पहले आप लोगों को कार की जो ओवरऑल की है वो चेकआउट करवा देते हैं। तो गाइस कार के अंदर अपने को ऐसी कुछ फिजिकल की ऑफर की जाती है, देख सकते हो फ्लिप की मिलेगी अपने को, यहाँ पर 3 बटन्स मिलते हैं लॉक का, अनलॉक का एंड होल्ड टू ओपन द बूट का। एंड इन बटन से जो है गाइस आप लोग अपने हेडलैम्प भी ऑन कर सकते हैं, यानी कि DRLs वगैरह आप लोग ऑन कर सकते हैं एज इन पार्किंग लाइट्स। तो अब फाइनली मूव करते हैं इस कार के इंटीरियर। सो गाइस राइट नाउ आप लोग देख रहे हैं ओवरऑल डोर पैनल की, फ्रंट डोर पैनल की लुक, ड्राइवर साइड डोर पैनल की जो लुक्स है वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जो कलर थीम है ओवरऑल रहेगा अपना मैट ब्लैक एंड बेज कलर, देख सकते हैं प्रॉपर बेज कलर नहीं है बट हाँ लाइट बेज कलर कह सकते हैं हम लोग इसे। तो ऐसा कुछ अपने को ड्यूअल टोन कलर थीम मिल जाता है, यहाँ पर अपने को सारा प्लास्टिक टच मिलेगा, यहाँ पर अपने पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, लॉक्स, डोर्स एंड अनलॉक्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं अपने को। एंड यहाँ पर ORVMs के कंट्रोल्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs नहीं है। यहाँ पर अपने को पियानो ब्लैक फिनिशिंग ऑफर की जाती है गाइस, देख सकते हैं आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पर अपने को गाइस जो स्पीकर्स की प्लेसमेंट है वो यहाँ पर मिलती है एंड यहाँ अपने को बॉटल होल्डर विद मैप पॉकेट ऑफर की जाती है। तो फाइनली मूव करते हैं इस कार के इंटीरियर्स में एंड गाइस यहाँ पर अपने को ट्वीटर्स की प्लेसमेंट जो है देखने को मिल जाती है।
तो इंटीरियर्स में मूव करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चेकआउट कर सकते हैं गाइस AX5 वेरिएंट के अंदर। अपने को जो ड्राइवर साइड सीट है वो अपने को 6-way मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है, यानी कि हाइट एडजस्टेबल, स्लाइडिंग एडजस्टेबल एंड डिक्लाइनिंग एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है। एंड फ्रंट हेडरेस्ट है वो गाइस अपने को यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। एंड वहीं गाइस जो रियर हेडरेस्ट हैं वो भी अपने को एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं। सो गाइस फाइनली इंटीरियर्स में मूव कर लेता हूँ मैं अब। सो गाइस अभी जैसे कि ऐसा कुछ दिखा रही है गाइस ये जो अपनी MID है, तो आप लोग देख लो ओवरऑल जो है गाइस ये मर्सिडीज से इंस्पायर्ड है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एंड इसका जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एंड जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, काफ़ी ज़्यादा शानदार है गाइस ये। अपना हॉरिजॉन्टल में रहेगा एंड यहाँ पर भी एड्रेनॉक्स की बैजिंग आ जाती है, तो देख सकते हो गाइस ये सब चीज़ें चेक करवाते हैं आप लोगों को। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इग्निशन ऑन करता हूँ मैं। तो गाइस ओवरऑल ऐसा कुछ अपने को जो है व्यू देखने को मिलने वाला है, देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा बढ़िया लगता है ये। एंड यहाँ पर गाइस अपने को मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस मिल जाती है, तो इन्फॉर्मेशंस में अपने को देख सकते हो आप लोग ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल तो फुली डिजिटल जो अपने को क्लस्टर मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ठीक है गाइस। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स की जो सेटिंग्स है वो आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो गाइस, देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर अपने को जो ये बटन्स दिए हुए हैं यहाँ से आप लोग जो है गाइस सेटिंग्स चेकआउट कर सकते हैं। टाइम होगी, डेट होगी, डिस्टेंस हो गया, ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सब चीज़ें चेकआउट कर सकते हो गाइस आप लोग। एंड और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेकआउट कर सकते हो आप लोग, ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन होगी, फ्यूल इन्फॉर्मेशन होगी, व्हीकल इन्फॉर्मेशन होगी, नेविगेशन होगी, ये सब कुछ आप लोग जो है गाइस चेकआउट कर सकते हो कार के अंदर। तो ये गाइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, देख सकते हैं आप लोग। एंड ओवरऑल जो ये कनेक्ट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम में अपना ऐसा कुछ लोगो बना हुआ आ जाता है, तो देख सकते हैं गाइस आप लोग कितना ज़्यादा बढ़िया है। एंड यहाँ पर अपने को एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब चीज़ें मिल जाती है वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ। एंड एड्रेनोक्स कनेक्टिविटी भी मिल जाती है गाइस अपने को AX5 वेरिएंट में 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। साइड एस इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे इवेंट्स मिलते हैं गाइस, देख सकते हैं मैट ब्लैक फिनिश में। एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत क्रोम यूज़ भी है। एंड यहाँ पर अपने को सारे हेडलाइट्स के कंट्रोल्स हो गए। तो गाइस अब आप लोगों को कार का जो ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील है वो चेकआउट करवाते हैं। तो गाइस सेंटर में अपना क्रोम फिनिश में महिंद्रा का लोगो, यहाँ पर सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स, यहाँ पर सिल्वर फिनिश एंड मैट ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी। लेदर रैप नहीं मिलता गाइस AX5 वेरिएंट में अपने स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पर थोड़े बहुत पियानो ब्लैक इंसर्ट्स, तो देख सकते कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है गाइस जो ये कार है। इंटीरियर से इंटीरियर इसका काफ़ी ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर अपने को मैनुअल IRV मिलता गाइस AX5 वेरिएंट के अंदर। तो और पार्किंग ब्रेक है जो हैंड ब्रेक होती है वो भी अपने को मैनुअली मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस आप लोग, यहाँ थोड़ा सा लेदर टच भी दिया गया है। एंड यहाँ पर A2Z ये सारा पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जरी फील प्रोवाइड करवाती है गाइस पर्सन को। एंड यहाँ पर ड्यूल कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एक अपने को स्क्वायर में मिलेगा, एक अपने को सर्कुलर मिलता है। मैनुअल वर्जन फिलहाल देख रहे हैं आप, पेट्रोल वर्जन गाड़ी है। तो ओवरऑल गाइस जो पेट्रोल इंजन की स्पेसिफिकेशंस है वो आप लोगों की स्क्रीन पर आ रही होगी एंड डीजल इंजन की स्पेसिफिकेशंस भी आप लोगों की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी, तो आप लोग वहाँ से सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वर्जन दोनों में अवेलेबल है गाइस, पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। एंड 6-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं गाइस राइट नाउ, पेट्रोल वर्जन के साथ 6-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, वहीं डीजल वर्जन के साथ भी आप लोगों को 6-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन ही देखने को मिलता है। यहाँ पर गाइस पियानो ब्लैक फिनिशिंग एंड क्रोम फिनिश के साथ अपने को ये गियर नॉब मिल जाती है। यहाँ पर फ़ोन वगैरह रखने के लिए थोड़ी बहुत स्टोरेज एरिया, एक अपने को यहाँ चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है गाइस कार के अंदर। यहाँ सारे हजार्ड लाइट्स के स्विच हो गए, एयरबैग्स वगैरह के स्विच हो गए एंड विंडशील्ड वगैरह के, मतलब अपना जो डीफोगर्स वगैरह होते हैं उसके सारे कंट्रोल्स एंड AC के क्लाइमेट कंट्रोल्स के सारे यहाँ पर अपने को जो है गाइस कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सेंटर एसी वेंट्स वही अगेन मैट ब्लैक फिनिश एंड थोड़ी बहुत क्रोम यूज़ के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत सिल्वर फिनिशिंग रहती है गाइस, तो देख सकते हो। एंड यहाँ पर भी अपने को सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा जो है गाइस बढ़िया रखी गई है जो कार है। एंड हाइट वगैरह कार की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, डायमेंशन स्टार्टिंग में ही आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुकी होगी गाइस, आप लोग चेकआउट कर चुके होंगे। एंड ड्राइवर साइड सन वाइजर पर अपने को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। सेंटर के अंदर अपने को यहाँ पर सनग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं गाइस, थोड़ा बहुत लाइटिंग इशू है तो उसके लिए सॉरी। सेंटर में ही सारे लाइट्स के कंट्रोल्स, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह अपने को मिल जाती है, ये लाइट्स मिल जाती है गाइस आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी लाइट्स वगैरह मिल जाती है गाइस। एंड यहाँ पर अपने को गाइस कार के अंदर सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, तो अपने को लार्ज साइज़ की बिग पैनोरमिक सनरूफ मिल जाती है गाइस कार के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है गाइस, देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा शानदार लगती है गाइस ये जो सनरूफ है। सो गाइस एक नंबर लगती है गाइस जो ये सनरूफ है कार की। एंड यहाँ पर अपने को ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, वहीं पैसेंजर साइड सनवाइजर पर वैनिटी मिरर मिल जाता है गाइस अपने को। सो गाइस कार के अंदर ओवरऑल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं AX5 वेरिएंट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से।
ऑल फॉर डिस्क ब्रेक्स आती है, ABS विद EBD आता है इस कार के अंदर, और भी काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स कार के अंदर आते हैं। सारे सेफ्टी फीचर्स जो X5 वेरिएंट में मिलते हैं वो आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहे होंगे। ग्लोव बॉक्स स्टोरेज एरिया आप लोग चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर कोई लैंप नहीं दिया गया है इस ग्लोव बॉक्स के अंदर। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल ऐसा कुछ रहने वाला है जो इसका ओवरऑल इंटीरियर है फ्रंट से। तो अब मूव करते हैं गाइस सेकंड रो में, यानी कि रियर सीट्स पे। सो गाइस रियर सीट्स पे अगेन वही सेम कलर थीम रहेगा डोर पैनल्स पे। यहाँ पर पावर विंडोज के कंट्रोल्स, पियानो ब्लैक फिनिशिंग, मैट ब्लैक फिनिश में वही डोर ओपनर अपना, या स्पीकर्स की प्लेसमेंट, या बॉटल होल्डर विद मैप पॉकेट। सीट अपहोल्स्ट्री वही अपनी मैट ब्लैक फिनिश में रहेगी, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलते गए AX5 वेरिएंट में। एंड अपने गए यहाँ पर जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल मिलते हैं यहीं ऊपर, अपनी लार्ज साइज़ की पैनोरमिक सनरूफ, रियर सीट तक प्रॉपर कवर्ड है गाइस जो ये सनरूफ है। तो गाइस बंदा फ्रंट में बैठे, पर्सन फ्रंट में बैठे चाहे रियर सीट्स में बैठे, तो व्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। रियर सीट्स में गाइस अपने को X5 वेरिएंट में कोई आर्मरेस्ट वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी एक बार मैं आप लोगों को बैठ कर दिखा देता हूँ। तो गाइस रियर सीट्स के अंदर भी जो लेग रूम एरिया वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, एंड हेड रूम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ही कार का, क्योंकि हाइट ही काफ़ी ज़्यादा है कार की। एंड ओवरऑल स्पेशियस है गाइस जो इंटीरियर कैबिन है कार का। एंड यहाँ रियर सीट्स में अपने को देख सकते हैं आप लोग 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, एंड यहाँ एक चार्जिंग सॉकेट एंड थोड़ा बहुत स्टोरेज एरिया। तो अब आप लोगों को जो है फ्रंट आर्मरेस्ट है वो चेकआउट करवाना रह गया था, वो चेकआउट करवा देता हूँ मैं। तो गैस यहाँ पर अपने को ऐसा कुछ स्टोरेज एरिया मिलता है फ्रंट आर्मरेस्ट के अंदर। एंड गैस ये जो आर्मरेस्ट है ये अपना एडजस्टेबल नहीं है, यानी कि स्लाइडेबल नहीं है, फिक्स्ड आर्मरेस्ट मिलता है अपने को। तो गैस इंटीरियर्स वगैरह आप लोग ओवरऑल कार का चेकआउट कर चुके हो। बाकी गैस इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह की ओवरऑल वीडियो है वो मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बनाकर दिखा दूंगा गाइस, तो वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो गाइस मेरे चैनल के ऊपर। तो ओवरऑल कार के बारे में सब कुछ कवर हो चुका है गाइस, चाहे वो इसका कलर ऑप्शंस हो, एक्सटीरियर्स हो, इंटीरियर्स हो, सब कुछ जो है मैं कवर कर चुका हूँ इस कार के बारे में, चाहे वो इसका एक्सटीरियर हो चाहे इंटीरियर हो, सब कुछ कार के बारे में मैं कवर कर चुका हूँ। तो एक्सटीरियर, इंटीरियर, सनरूफ, वनरूफ सब आप लोग चेकआउट कर चुके हो। इंजन वगैरह के ऑप्शंस जो हैं वो मैं आप लोगों की स्क्रीन पर पहले ही डिस्प्ले करवा चुका हूँ, ताकि आप लोगों को सारे इंजन ऑप्शंस पता लग जाए, सारे ट्रांसमिशन पता लग जाए। एंड कार के बारे में ओवरऑल XUV700 AX5 वेरिएंट के बारे में सब कुछ कवर हो चुका है फाइनली। सो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी इस कार से रिलेटेड और वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए जल्दी आएगी। सो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो बाय गाइस, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।